एमपी 7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की यह खबर। छतरपुर के महोबा रोड डिपो कॉलोनी में लगातार बिजली की समस्या के चलते लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। लाइट की समस्या के चलते डिपो कॉलोनी के स्थायी निवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार एमपीईबी में शिकायत की, मगर एमपीईबी के द्वारा आश्वासन ही दिया जाता रहा, मगर आज दिनांक तक लाइट को लेकर किसी प्रकार का समाधान नहीं किया जा रहा। मेन तार 11 केवी की जो लाइन है, उस लाइन में दर्जनों कट हैं, जिनसे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, मगर एमपीईबी के कर्मचारियों द्वारा आज तक कोई समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते डिपो कॉलोनी के गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगाया और साथ में यह चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही सुधार नहीं किया गया तो अभी तो यह आंशिक आंदोलन है और यदि पूर्ण समाधान नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। छतरपुर से एमपी 7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद वर्मा। जी भाई, क्या नाम है आपका? गोविंद तिवारी। भैया चक्की जाम लगा क्या? भैया महुआ रोड डिपो कॉलोनी में लगभग 3 महीना हो गए, लगातार लाइट की समस्या है। डिपो कॉलोनी के जो स्थायी निवासी हैं उनके द्वारा कम से कम 20 बार एमपीबी जाकर के शिकायत दर्ज कराई गई। मुख्य अभियंता जो मिश्रा जी हैं उनको अपनी समस्या के बारे में बताया गया, जो सहायक अभियंता रवि सिंह जी उनको बताया गया। उनके द्वारा बराबर आश्वासन मिला कि हम ठीक कर देंगे। आज लगातार 2 से 3 महीने को होने को जा रहा है, समस्या सॉल्व नहीं हो रही। एक तार जो मेन तार है, जो मेन 11 केवी की जो मेन लाइन है, वो पूरी लाइन कम से कम 200 कट है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर एमपीवी के कानों में चू नहीं रौंद रही। लगातार उनसे बार बार बोलने के बाद भी कोई काम नहीं हो रहा। आज गुस्सा ही पूरे लोगों ने, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत समस्या है। लाइट जब 2 घंटे अगर नहीं रहती है तो कितनी समस्या होती है। यहाँ 24 घंटे लाइट नहीं रहती। यहाँ आज डिपो कॉलोनी के सभी लोगों ने, आज गुस्सा ही लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर आंशिक चक्का जाम करके अपना एक विरोध दर्ज कराया और ये कहा कि यदि आप हमारी समस्या को सॉल्व नहीं करते हो तो कल के दिन ये आंदोलन बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है और बहुत बड़ा रोड जाम हो सकता है। आज